दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में और यहाँ पर रिमार्क कंपनी ने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ और इस स्टॉल में बहुत सारी स्कूटी और बाइक और लोडर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में आपको सभी स्कूटी की बाइक की लोडर की जानकारी मिलने वाली है, कितने इनके प्राइस है, किस तरह की इसमें बैटरी यूज की गई है और किस किस तरह की खासियतों के साथ ये रिमार्क कंपनी ने मैदान में उतारे हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं। तो मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने इतने सारे मॉडल, इतने सारे कलर्स यहाँ पर ये लॉन्च किए हैं, सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। सर इतने अट्रैक्टिव कलर्स जो यहाँ पर हैं, तो मैं सबसे पहले अगर शुरुआत करूँ इस लोडर के बारे में, तो लोडर की खास बात क्या है सर इसकी? सर खास बात ये है कि आज की डेट में जितने भी डिलीवरी वाले हैं वो लोग एक ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें चाहिए करने के लिए, तो ये हमने एक लोडर निकाला है जिसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो अबाउट 250 से 300 किलो की लोडिंग कैपेसिटी है। ये एक बार सिंगल चार्ज होने के बाद लगभग 80 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं। इसके अंदर दोनों व्हील्स में, फ्रंट और व्हील, बैक व्हील, रियर व्हील के अंदर, दोनों व्हील्स के अंदर हमने इसके अंदर डिस्क ब्रेक दिया है और ये एक बार चार्ज आप करना चाहें इसको, सिंगल चार्ज जो है वो 5 to 6 आवर्स में पूरा चार्ज हो जाता है। इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर ऑन रोड प्राइस जो है वो 95,000 रुपीज़ के पास है। लोगों के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है। जो लोग लोडिंग का काम करते हैं, स्विगी, जोमेटो, जिन लोगों को डेली यूज़ करना है और जो लोग ज़्यादा लोड लेके जाना चाहते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, मिल्क वेंडर्स हो गए, उनके लिए ये एक बून है। सर इसके अंदर बैटरी कौन सी यूज़ की गई है और कितने एएच की बैटरी है? हम लोग इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम आपको वैरायटी देते हैं कि आप कितने एएच की बैटरी यूज़ करना चाहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 30 AH, आप 30 AH, 40 AH, 50 AH तक की बैटरी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका वेट कितना होगा टोटल? इसका टोटल वेट जो है वो ऑलमोस्ट 60 kg के आसपास है। और सर इसमें सामान कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं? देखिए इसके अंदर एक स्पेशल हम लोगों ने ये सिस्टम दिया है जिसके अंदर आप इसको बैक सीट को कन्वर्ट करके और इसको आप लोडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप इजीली लोड कर सकते हैं मटेरियल। 100% मेटल की इसकी चेसिस बनी हुई है, इसलिए इसके अंदर आप 250 किलो से 300 किलो वेट इजीली लोड कर सकते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर जब इसमें कोई वजन रखना हो तो इस तरह से इसे जो सीट है हटा सकते हैं और बाकी अगर इसके पीछे किसी को बैठाना तो बैठ भी सकते हैं। आप इसको वापस फोल्ड कर सकते हैं और इसकी सीट बना सकते हैं तो ये इजीली सीटिंग बन जाएगा। अच्छा सर, ये दो जगह इसमें वजन रख सकते हैं, एक यहाँ पर और बीच में, एक आगे भी रख सकते हैं। अच्छा सर, ये जो मॉडल है इस मॉडल का नाम क्या है और क्या इसमें खास बात है? इस मॉडल का नाम है हाई एनर्जी और ये सारे जितने भी मॉडल्स हमारे हैं इसके अंदर बहुत वाइब्रेंट कलर्स अवेलेबल हैं। ये सब न्यू जनरेशन के माइंड में रख के बनाए गए हैं। सिंगल चार्ज के ऊपर अबाउट 60 किलोमीटर्स ये वन रन में चलता है और इसका बैटरी जो है वो अबाउट 5 to 6 आवर्स में पूरी चार्ज हो जाती है। अच्छा सर, इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है? अबाउट 25 to 30 किलोमीटर्स, बिकॉज ये स्लो स्पीड वेरियंट के अंदर आते हैं इसलिए इसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल्ड होती है। अच्छा सर, ये जो जितने भी हम मॉडल देख रहे हैं आपके पास, इसमें बैटरी किस तरह की यूज की गई है? बैटरी हम लोग लिथियम आयन यूज़ करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरीज यूज़ करते हैं, सब BMS उसके बहुत अच्छे होते हैं और इनफैक्ट आज के टाइम में लेड एसिड SMF बैटरी से ज़्यादा लोग लिथियम आयन ही प्रेफर करते हैं। मोड कितने हैं सर इसके अंदर? 3 मोड्स हैं इसके अंदर। अच्छा सर, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत ऑन रोड 75,000 रुपीज़ है। अच्छा, इसके अंदर जो बैटरी यूज की गई है सर, तो ये इसे चार्ज होने में कितना टाइम लग जाता होगा? इसको 100% चार्ज होने में 4 to 5 आवर्स लगते हैं। 4 to 5 आवर्स। अच्छा सर, अगर कोई इन्हें खरीदना चाहे तो किस तरह से खरीद सकते हैं? हमारा डीलर नेटवर्क है और हमारे डीलर्स की डिटेल जो है हमारी वेबसाइट www.remarkev.com पे अवेलेबल है। आप हमारे डीलर्स के थ्रू इसको खरीद सकते हैं और बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए अबाउट 30 to 45 डेज के अंदर हम लोग इसकी ऑनलाइन सेल्स भी शुरू कर देंगे। अच्छा सर, इसके अलावा एक काफ़ी अट्रैक्टिव कलर इसमें है और इसका जो मॉडल है वो भी आपने काफ़ी बिंदास बनाया है, तो ये लॉन्च कब हो चुके हैं सर? इनको लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हैं और हमारी प्रेजेंस जो है पंजाब, बिहार, कर्नाटका, जहाँ भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे डीलर्स हैं, उसके थ्रू हम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, नाम क्या सर इसका? इसका नाम हिप हॉप है। अच्छा, कीमत क्या रखी है सर इसकी? इसकी कीमत अबाउट 65,000 रुपीज़ है। ये हमारा बेस मॉडल है। बैटरी सब में सेम है सर? बैटरी हम लोग सब में लिथियम आयन बैटरी लगा रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर फ़र्क आता है AH का। इसके अंदर जैसे कि हम लोग अभी हिप हॉप मॉडल देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग 60-26 AH की बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, कीमत क्या बताई थी इसकी? 65,000 रुपीज़ ऑन रोड पर आ गए। ठीक सर, और इसके पास सर ये काफ़ी जैसे पुराने ज़माने में स्कूटर चलते थे तो उसी मॉडल को आपने दोबारा ये लॉन्च किया है, दोबारा निकाला है, तो लोग क्या कैसा पसंद कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं, जितने पुराने लोग या इनफैक्ट नई जनरेशन भी, रेट्रो लुक में हम लोगों ने इसको निकाला है। ये हमारा एक प्रीमियम मॉडल है, स्पीड इसकी भी 25 to 30 ही है, लेकिन इसके डिज़ाइन की वजह से लोग इसको बहुत लाइक करते हैं। क्योंकि जब मुझे याद है जब शुरुआत हुई थी स्कूटरों की, तो इसी तरह का लगभग मॉडल था और लोग काफ़ी पसंद करते थे और एक अलग ही शांति उस समय पर
इन्हें चलाने की। आज भी वही शाइन कायम रखने के लिए हमने ये मॉडल निकाला है। लोग पहले चेतक बजाज सुपर चलाते थे, उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। अच्छा, तो सर इसमें और क्या खास बात लेकर आए हैं? जैसे जब पहले कभी ये लॉन्च हुआ होगा, जो पहले चलते थे, तो उनमें कुछ अलग फीचर्स होंगे? जब ये नए ज़माने में आया तो सर इसमें कुछ अलग फीचर्स होंगे? सर सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक है। पहले जितने भी आते थे पेट्रोल से चलने वाले इंजन वाले आते थे और बहुत हैवी होते थे, ये लाइट वेट स्कूटर्स हैं। और हम लोगों को कुछ अब पॉल्यूशन से रिलेटेड, मतलब आप इस बात को मान के चले कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है कि हम लोगों को भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ सोचना है और कुछ करना चाहिए। आज की नई जनरेशन जो है वो 100% स्विच होना चाह रही है इलेक्ट्रिक की तरफ, जस्ट टू मेक श्योर कि दे अर्न द कार्बन पॉइंट्स। अच्छा सर, ये बताएं इसकी कीमत क्या रखी है आपने? ये एक प्रीमियम मॉडल है जिसका ऑन रोड प्राइस जो है वो 95,000 रुपीज़ है। अच्छा, जिस तरह का हम इसमें कलर देख रहे हैं, लगभग व्हाइट कलर या क्रीम कलर का से लग रहा है, तो इसमें और भी कलर हैं क्या? इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं, स्काई ब्लू कलर अवेलेबल है, इसके अंदर ब्लैक कलर अवेलेबल है, तो देर आर रेंज नंबर ऑफ वेराइटीज इन द कलर्स। अच्छा, इसे लॉन्च हुए कितना टाइम होगा सर? इसको भी लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, इसके पास एक और हम रेड कलर में ये देख रहे हैं, क्या नाम है सर इसका और क्या खास बात है सर इसके अंदर? इसका नाम एटन है और ये अमंग द गर्ल्स बड़ा पॉपुलर है, बहुत कॉम्पैक्ट मॉडल है और पॉपुलर होने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि इसके कलर्स बहुत वाइब्रेंट हैं। अच्छा सर, मतलब गर्ल्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस मॉडल को? गर्ल्स ज़्यादा पसंद करती हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट है, दिखने में गर्ल्स के हिसाब से बना हुआ है और इनफैक्ट स्पीड इसकी भी हम लोगों ने स्लो स्पीड सेगमेंट के अंदर 25-30 ही रखी हुई है। मोड सभी के अंदर 3 मोड है? मोड सब के अंदर 3 मोड्स हैं, एक इको मोड है, एक नॉर्मल मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। कीमत क्या रखी है सर इसकी? इसकी कीमत 80,000 रुपीज़ ऑन रोड। सर इसके डिस्प्ले में क्या क्या देखने को मिल सकता है? अब देखिए इसके डिस्प्ले के अंदर आपको सबसे पहले तो ऑन होने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर एक फीचर दे रखा है जो कि एक सेफ्टी फीचर है जिसको हम पार्किंग फीचर कहते हैं। जब तक अगर सपोज़ कीजिए कोई छोटा बच्चा आकर इसके अंदर खड़ा हुआ है तो वो थ्रॉटल चलाएगा तो ये स्कूटर चलेगा नहीं जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे। अच्छा। उसके बाद ये स्कूटर चलता है। अच्छा, मतलब ऐसा ना कि मान लो इसमें चाबी ऑन हो गई, किसी बच्चे ने इसे थ्रॉटल दबा दिया और चल गया तो ये नहीं चलेगा, अंटे अंदर आप इसको अनलॉक करेंगे। और इसके मीटर के अंदर आपको सारी चीज़ें कि कितना बैटरी आपका बैलेंस रह गया है, किस स्पीड पे आप जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखती हैं। ठीक सर, और कीमत क्या सर इसकी? इसकी कीमत 80,000 रुपीज़ ऑन रोड।